स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज डाइजेस्टिव सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो है मानव दांत, यानी कि हम लोग टीथ पढ़ने जा रहे हैं। टीथ और उससे रिलेटेड इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग आज के वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये पार्ट वन है, हम लोग इसकी पूरी सीरीज लेकर आएंगे। सबसे पहले टीथ का ओरिजिन किससे होता है? तो टीथ्स आर एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि इनका जो ओरिजिन है वो भ्रूण की एक्टोडर्म और मीजोडर्म परत से होता है। सो हमने क्या कहा, एक्टोमीजोडर्मल, यानी कि ओरिजिन एक्टोडर्म और मीजोडर्म से। ओके, नाउ हमेशा याद रखो, टीथ का जो अधिकांश हिस्सा है, मैक्सिमम पार्ट जो है, उसकी उत्पत्ति किससे होती है? डर्मिस से होती है। ओके, और कुछ पार्ट जो है उसका उसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है? एपिडर्मिस या एक्टोडर्म से होता है। ओके, बाकी अधिकांश हिस्सा जो है उसकी उत्पत्ति डर्मिस से होती है। नाउ यदि हम इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ को दर्शा रहा है। ओके, और जिसके अंदर कि आप देख सकते हो कि तीन भाग होते हैं, दांत के तीन भाग होते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है ऊपर का क्राउन, जो बाहर का जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है दांत का वो तो होता है क्राउन, और वह हिस्सा जो कि गम्स के अंदर धंसा रहता है वो होता है नेक, और तीसरा जो हिस्सा है दैट इज नोन एज द रूट, जो कि जॉ बोन जो होती है, जबड़े की जो अस्थि होती है उसके सॉकेट के अंदर फिक्स रहता है, वो वाला जो भाग है वो क्या है, रूट है। तो आप देख सकते हो कि एक दांत के अंदर तीन भाग होते हैं, सबसे पहला क्राउन, दूसरा वाला जो भाग है नेक, और तीसरा वाला जो भाग है वो कौन सा है, रूट है। राइट, नाउ सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं दैट इज क्राउन के ऊपर। दांतों का वह भाग जो कि बाहर की तरफ एक्सपोज्ड रहता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि गम्स के जो बाहर वाला जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। ओके, और ये जो क्राउन वाला जो दांत का भाग है, जो एक्सपोज्ड पार्ट है, उसको घेरे हुए क्या पाया जाता है, इनेमल पाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो बाहरी भाग है ये पूरा क्या है, इनेमल है। ओके, तो क्राउन को घेरे हुए क्या पाया जाता है, इनेमल पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर, कशेरुक प्राणियों के अंदर ऐसा माना जाता है कि इनेमल जो है इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। यदि शरीर के अंदर कोई सबसे कठोरतम यदि कोई पदार्थ है तो वो क्या है, दांतों का इनेमल है, जो क्राउन को क्या रहता है, घेरे रहता है। ठीक है, अच्छा याद रखें कि ये जो क्राउन जो होता है उसका जो ये वाला जो भाग है दैट इज इनेमल वाला जो भाग है, राइट, इसकी जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन जो होता है इनेमल का, वो किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है, भ्रूण की एक्टोडर्म परत से होता है। ठीक है, याद रखना एक्टोडर्म के अंदर जो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, इनेमल की उत्पत्ति किससे हुई है, एक्टोडर्म से। तो एक्टोडर्म के अंदर विशेष कोशिकाएं होती है और उनका नाम होता है एमीलोब्लास्ट सेल्स। व्हाट आई हैव सेड, एमीलोब्लास्ट सेल्स, उनसे ये जो है इनेमल क्या होता है, स्रावित होता है। वापस एक बार मैं रिपीट कर दूं, एक्टोडर्म की एमीलोब्लास्ट सेल से इनेमल क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है, अच्छा इनेमल के बारे में कुछ विशेष बातें याद रखना कि इनेमल जो होता है वो ए सेलुलर होता है, अकोशिकीय होता है, ए वेस्कुलर होता है यानी कि असंवहनीय होता है, इसके अंदर रक्त की सप्लाई नहीं पाई जाती है, नॉन रीजनरेबल, इसे रीजनरेट नहीं किया जा सकता है। ओके, और याद रखना वह एलिमेंट जो इनेमल को हार्डनेस देता है, वह एलिमेंट जो इनेमल को हार्डनेस देता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरीन कहते हैं। जहां के पानी के अंदर फ्लोरीन वगैरह की गड़बड़ी होती है वहां के लोग जो हैं उनके दांतों का जो इनेमल होगा वो सफेद इनेमल नहीं पाया जाएगा उनके अंदर। आप देख सकते हो कि जहां पर पानी के अंदर फ्लोरीन की गड़बड़ी होती है वहां पर दांतों का जो इनेमल होता है उसके ऊपर पीले परमानेंट क्या पड़ जाते हैं, डेट इज दाग पड़ जाते हैं जो कि हटते नहीं है। ओके, नाउ ये जो इनेमल है वो आप देख रहे होंगे कि इनेमल को हार्ड हार्ड करने वाला कौन है, फ्लोरीन है, और साथ ही इनेमल जो है वो बना हुआ किससे, तो इनेमल जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट से मिलकर बना हुआ है जिनका के नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, क्या कहा मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। 96% ऐसा माना जाता है कि इनेमल का 96% पार्ट जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। ओके, लगभग
3% जो है वो जल का भाग होता है, यानी कि 3% ऑफ द वॉटर इज फाउंड इन द इनेमल, और जो बचा हुआ जो 1% है उसके अंदर एमिलोजेनिन और इनेमेलिन, वापस से मैं बता दूं, एमिलोजेनिन एंड इनेमेलिन नाम के प्रोटीन जो होते हैं, ये जो दो प्रोटीन है ये भी इनेमल के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो क्राउन वाला जो हिस्सा है वो दांतों का एक्सपोज भाग था जो गम्स के बाहर स्थित था, और इसको घेरे हुए जो है वो क्या पाया जाता है, इनेमल पाया जाता है। ओके, नाउ ये इनेमल की जो उत्पत्ति हुई थी वो तो एक्टोडर्म से हुई थी, लेकिन ध्यान रखें कि बाकी दांत का जो भाग है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टीथ इज डेवलप्ड फ्रॉम मेसोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। जैसा कि मैंने कहा कि दांत की उत्पत्ति एक्टोडर्म और मेसोडर्म से हुई है, तो यदि इनेमल को मैं छोड़ दूं तो बाकी दांत के भाग की जो उत्पत्ति है, राइट, रिमेनिंग जो भाग है दांत का उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, भ्रूण की मेसोडर्म परत से हुई है। ओके, नाउ नेक, अगला जो भाग आता है दांत का वो कौन सा है, नेक। देखिए ये वाला जो भाग है वो क्या है, पूरा क्राउन है, और ये वाला जो भाग है वो क्या है, नेक है। मतलब नेक जो है वो क्राउन और रूट के बीच में पाई जाती है। नेक कहां पर है, क्राउन और रूट के बीच में पाई जाती है। तो देखो ये इंटरनल पार्ट ऑफ द टीथ एम्बेडेड इनसाइड द गम्स, मतलब क्राउन के नीचे वाला जो भाग यदि आप देखोगे तो मसूड़ों के अंदर, गम्स के अंदर धंसा रहता है। तो दांत का वह भाग जो मसूड़ों के अंदर धंसा रहता है वह भाग जो है वो कौन सा है, नेक है। ओके, चलो अब नेक्स्ट जो भाग है वो अगला भाग जो कि दांत का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, और वो कौन सा है, रूट है, राइट। ये जो भाग होता है रूट वाला जो भाग है, यहां से लेके यहां तक नेक के नीचे से लगाकर और यहां वाला जो भाग है उसमें आप देख सकते हो कि यह भाग जो होता है वो जॉ बोन समझते हैं ना, जबड़ों की जो अस्थियां होती है के सॉकेट में धंसा रहता है। सॉकेट मतलब यहां पर एल्वियोलाई से है, ठीक है। यह भाग जॉ बोन की, जबड़ों की जो अस्थि होती है उसके सॉकेट में ये वाला जो भाग होता है वो क्या रहता है, धंसा रहता है। मतलब दांत जितने बाहर नहीं होते हैं उससे ज्यादा वो क्या होते हैं, गहराई में होते हैं, रूट्स के अंदर, रूट्स वाला जो भाग है उसका वो ज्यादा डेवलप्ड होता है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है, यहां पर आप देख सकते हो इस रूट वाले भाग के अंदर, नेचुरली कि ये जो रूट वाला भाग है वो जॉ बोन के अंदर फिक्स है, तो आखिर ये प्रश्न उठता है कि रूट जो है दांत मजबूत होते हैं, आप हिलाएंगे तो हिलते नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो जॉ बोन के अंदर किसी चीज से फिक्स्ड है, तभी तो वो हिलते नहीं है, ठीक है। तो याद रखना यह भाग सीमेंट व पेरियोडोंटल, ठीक है ना, क्या काम है, यह भाग पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन द्वारा जॉ बोन में क्या रहता है, फिक्स रहता है। मतलब दांत का जो ये भाग है, रूट वाला जो भाग है वो किसके द्वारा, एक तो सीमेंट के द्वारा और किसके द्वारा, पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन के द्वारा जॉ बोन में क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। यानी कि ये जो सीमेंट और पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस दांत को जॉ बोन के अंदर दृढ़ता से क्या कर देंगे, स्थापित करते हैं। ओके, और साथ के साथ ये भी याद रखना कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो आप कोरिलेट कर सकते हो, यहां से ये तो दांत का एक्सपोज भाग है इनेमल, इनेमल के ठीक नीचे की तरफ क्या होती है, डेंटिन प्रेजेंट होता है ना, इनेमल के ठीक नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, यहां पर डेंटिन है, उसके नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, पल्प केविटी, उसके नीचे क्या प्रेजेंट होती है, पल्प केविटी, जो कि हम लोग ये जो दांत का जो बचा हुआ जो भाग है वो पूरा हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो के अंदर केवल हम लोगों ने जो दांतों का जो ओरिजिन है वो बताया, और साथ के साथ हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, यानी कि जो टीथ के तीन भाग है, क्राउन, नेक और रूट्स के ऊपर बेसिक डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दांत का जो बचा हुआ भाग है, टीथ का जो बाकी का जो स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। इफ यू वॉन्ट टू टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस वीडियो यू कैन टेक।